लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है। जहां प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपनी चुनावी सभा कर रहे हैं। साथ ही दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर के जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के मैनिफेस्टो और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले दो बार से बीजेपी 25-0 से जीत रही है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कितनी सीटें आएंगी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। अब हर दिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। वहीं बीजेपी के मुद्दे पर 370 राम मंदिर आज पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ये तो इनके फैसले हैं। मुद्दा तो बेरोजगारी है, लेकिन उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। सत्ता में रहने वाली पार्टी को लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमने घोषणा पत्र में 25 न्याय और 25 गारंटी दी है, लेकिन बीजेपी इस पर बात नहीं करेगी। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से प्रभावित है, इसका क्या मतलब है? इससे पता चलता है कि पीएम मोदी बौखला गए हैं, सब इतने घबरा गए हैं कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी बार 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 राजस्थान दौरे कर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी रोड शो करने नौबत आ गई दोसा के अंदर। और अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो हवा में तीर चला रहे हैं कि 400 पार 25 से तीसरी बार आएगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि माहौल बदला हुआ राजस्थान के अंदर, क्योंकि इनकी पोल खुलती जा रही है। जिस प्रकार से ये जो इश्यू है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, उस पर बात नहीं करते हैं। ये बातें खाली झूठे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, गांधी फैमिली पे अटैक कर दो। और जो इनका मैनिफेस्टो आया है उसमें कोई दम नहीं है। आप एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो जिसमें 5 तरह के न्याय की बात की गई है, 25 गारंटी दी गई है, एक एक शब्द मायने रखता है कांग्रेस मैनिफेस्टो के, एक एक शब्द। और एक एक वर्ग, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सबके लिए एक प्रकार से रोड मैप दिया गया, रोड मैप कि क्या कांग्रेस करेगी। ये विपक्ष में हम लोग हैं तब भी हमने एक रोड मैप दिया उनको। ये काम इनका होना चाहिए था, सत्ता में पार्टी है वो, कि भाई हमारे अगली योजना इस प्रकार की रहेगी। 2-3 घोषणाएं कर दी, उनमें कोई दम नहीं, पहले चली आ रही कई योजना। तो कहने का मतलब ये कि ये इतने घबराए हुए हैं राजस्थान से, पूरा अटैक राजस्थान पर कर रखा है। और राजस्थानी जनता का मूड जब जा रहे जा बदलाव लग रहा मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।